हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आइए चलते हैं वीडियो में। किसी भी पार्टी का चुनाव जीतने के बाद सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, चाहे वह महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का, चाहे किसान मजदूरों का मुद्दा ही क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी सरकार के पास चुनाव जीतने का हुनर है, जो हिंदुत्व और मोदी जी के चेहरे के आसरे चलता है। और 2024 चुनाव तक बीजेपी यही सब करने की तैयारी में है। लेकिन अब सवाल यह है कि 2 महीने बाद कर्नाटक में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी में खलबली मची हुई है और मोदी जी की धड़कनें बढ़ने लगी है। इस वर्ष जनवरी और फरवरी में मोदी जी 5 बार कर्नाटक में घूमकर आ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी कर्नाटक में 5 बार घूमने क्यों गए? इसलिए आप लोगों को बता दें कि महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक पैसे वाला दूसरा राज्य है, जहां से जीतने वाली पार्टी की बड़ी कमाई होती है। और अगर कांग्रेस कर्नाटक से जीत जाती है तो 2024 चुनाव को लेकर पॉलिटिकल फंडिंग के लिए बीजेपी को इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी जानती है कि कर्नाटक उनके लिए कितना अहम है। बीजेपी सरकार कार्य के जो प्रयोग दक्षिण भारत में नहीं कर पाई, अब वही प्रयोग और कार्य कर्नाटक में करने जा रही है। कर्नाटक में चुनाव 2 महीने बाद होने हैं। मई में कर्नाटक में नई सरकार होगी। कर्नाटक में बीजेपी की जीत 2024 चुनाव के लिए बढ़ता हुआ वो रास्ता है। अगर कर्नाटक में बीजेपी नहीं जीतती है तो 2024 चुनाव में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में 12 जनवरी को गए, 19 जनवरी को गए, 6 फरवरी, 13 फरवरी और 17 फरवरी को गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां कई उद्घाटन किए, लेकिन वह उद्घाटन अभी पूरे नहीं हो सके हैं। तो अब क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी सरकार कर्नाटक में हार रही है? इसीलिए कर्नाटक चुनाव के लिए प्रधानमंत्री जी खुद जाकर कर्नाटक में रैलियां कर रहे हैं और कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी उलटफेर हुआ है, जिससे बीजेपी सरकार की धड़कनें तेज हो रही है और उन्हें कर्नाटक चुनाव की हार का डर सता रहा है। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।